चलिए निमसेट के टॉपर से मिलते हैं। निमसेट 24 ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन सेठी से, जो कि दिल्ली से हैं और जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और फाइनल ईयर के साथ ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की। तो आर्यन, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आर्यन, कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक 3 के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आर्यन, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी आप भोपाल तो आओगे, अवार्ड फंक्शन में भी आओगे, मुझसे मिलोगे भी, पर क्योंकि जब इतनी अच्छी रैंक हम अचीव करते हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि सक्सेस जर्नी क्या रही। मतलब कब आपने निमसेट के लिए सोचा था, फिर आपने किस तरह से प्रिपरेशन की, और पेपर को, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा लीक से हटके था, कई बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं, तो पेपर जब आपके पास आया तो कैसे उसको हैंडल किया, किस तरह से, क्या क्या चीजें थी, पूरी आप सक्सेस इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ अपनी। तो सर स्टार्टिंग विद पेपर का एक्सपीरियंस तो काफ़ी डिफरेंट था। मैंने ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं करा था जब मैं पेपर देने बैठा, एंड जब मैंने देखा कि क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े डिफरेंट है, पर बात ये थी कि वो बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व होने थे। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। पढ़ते टाइम ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए, पर हमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो इस बार उन्होंने यही न्यू चीज़ करी थी, उन्होंने पता नहीं क्या न्यू एक्सपेरिमेंट करा था पेपर में। न्यू एक्सपेरिमेंट करा था, पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार थे। आपने नोटिस किया होगा, अपने टेस्ट सीरीज में भी इस तरह की सरप्राइज यस सर। रखी। मैंने हमेशा बोला पीवाईक्यू पे, अब मान के चलो नहीं आएगा, नए नए क्वेश्चंस करे, बस उस सरप्राइज को या उस 2 घंटे को बस जिसने हैंडल कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं थे बल्कि बेसिक थे, और बस बेसिक थे उसको जिसने, हाँ, जिसने उसको हैंडल कर लिया उस प्रेशर को, क्योंकि सेक्शन टेस्ट था, 70 मिनट का टाइम था। अच्छा ये बताओ, ये सेक्शन टेस्ट था, टाइम कम था, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? सर। टाइम कम था, पर फिर मैंने यही सोचा कि आगे जा जाकर देखूं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। एंड आपके टेस्ट जो थे मॉक टेस्ट, उनमें भी ऐसे पेपर्स काफ़ी देखने को मिलते थे। हर 5 या 2 3 पेपर के बाद ऐसा पेपर मिलता था, तो एक्सपीरियंस तो था ऐसा करने का, पर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि निमसेट में जाकर भी हाँ, ऐसे हो जाएगा। निमसेट ने नो डाउट सरप्राइज दी, पर हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम तक इस तरह के सरप्राइज पेपर, जो अभी बोला, कई बच्चों का प्रैक्टिस यही करेगा मैसेज है सर। कि सर आपने इतने सरप्राइज दे दिए थे कि एक तरह से मेंटली प्रिपेयर थे, बस प्रिपेयर उस समय कुछ बच्चों ने हैंडल नहीं कर पाए, जरूर हुआ। अच्छा ये बताओ, आपने कॉलेज के साथ एग्जाम क्रैक किया अपनी अच्छी रैंक के साथ, तो कॉलेज के साथ आपने निमसेट की पढ़ाई को, दोनों को कैसे मैनेज किया? तो सर कॉलेज का थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। एंड फिर जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो मैं कॉलेज तो जाता ही था रेगुलर, पर फिर घर आकर पढ़ाई करता था मैं और टाइम देता था इसमें। और मैंने बना रखा था कम से कम 90% एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में ध्यान देने का, एंड 10% कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने का। और कॉलेज में तो वैसे रोज़ पढ़ना नहीं होता, जब वहाँ टेस्ट होता था तो पढ़ लिया करता था, बाकी निमसेट की पढ़ाई करता था। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जब आप जो फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज थी, फिर सरप्राइज वो, फिर हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज रखी और वार्म अप टेस्ट सीरीज, उसके जब आप पेपर देते थे, अक्सर बच्चे एनालिसिस में गड़बड़ करते हैं, तो आप जो टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद, स्कोर आने के बाद, पेपर को एनालिसिस कैसे करते थे? तो सर एनालिसिस के टाइम पे तो आपकी वीडियो डली होती थी, तो मैं उसको 2.5 स्पीड पर देखता था। और ऐसा नहीं होता था कि मैं सिर्फ गलत क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सारे ही करता था, कुछ न्यू तरीके ट्राई करता था। जैसा कि आपने कहा कि जब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया तो एनालिसिस में उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करो, जिससे कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट होती है। और फिर जब लास्ट का टाइम आ गया, जब मतलब कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स भी सर पर थे, तब सिर्फ मैंने ये करा था कि सिर्फ मतलब जो क्वेश्चंस गलत होते थे या छूटते थे वो मैं प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल सही है। तो आर्यन, आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, अभी आप आगे जाके आप NIT त्रिची भी जा सकते हो, सूरत कल भी, मतलब आपके पास सारी चॉइस। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप टॉप रैंकर होते हैं तो आप किसी भी NIT में जा सकते हो। तो आपका क्या ड्रीम है, कौन सा NIT जाने का सोचते हो? सर जब मैंने पहले भी रिसर्च करी थी और आपसे सुना था, तो मैंने NIT त्रिची का ही नाम सुना था, फिर मैंने देखा तो NIT त्रिची ही मैं सोच रहा हूँ फिर जाने की। बिल्कुल सही है, आप NIT त्रिची जाओ, वहां पर भी ऐसी धूम मचाओ। और अच्छी बात यह कि इम्पिटस के जो बच्चे होते हैं वो प्लेसमेंट में भी हमेशा धूम मचाते हैं, टॉप प्लेसमेंट हमेशा इम्पिटस के बच्चों का होता है, वैसे ही आप टॉप प्लेसमेंट भी लो और ऐसे ही बहुत आगे बढ़ो। अच्छा आप अपने जूनियर्स को, स्पेशली जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, क्योंकि आप खुद फाइनल ईयर थे, क्या
क्या मैसेज देना चाहोगे? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनली अपेयरिंग होते हैं, उनको लगता है दोनों मैनेज नहीं हो पाएगा, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज सर यही होगा कि डिसीजन स्ट्रांग रखो। अगर आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल 100% सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करो, इसको एज अदर ऑप्शन ट्रीट ना करो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करो और एक टाइम बनाओ और गोल्स बनाओ, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स भी नहीं, चाहे शॉर्ट टर्म गोल्स की, जैसे मैंने इस हफ्ते ये यूनिट कंप्लीट करना है, ये गोल्स बनाकर उनको कंप्लीट करो शॉर्ट टर्म गोल्स को। और सर सबसे बड़ी बात, आपकी बात मानो, मैं तो यही कहूंगा। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आ रहे ना, मम्मी को बुलाओ। सर ये रही माता मेरी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई नमस्कार जी। आपको। सबसे पहले तो सर आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक मैं यू। इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं ये सोच रही थी कि इन सर के बिना मेरा बच्चा नहीं आ हाँ सकता था सर थर्ड। ये भी आपका है। सपोर्ट, आपकी गाइडलाइंस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बच्चा यहाँ तक थैंक आया, मैं कहती हूँ आपके सर को तो मैं खुद ही मिलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी छोटे छोटे उसको पॉइंट्स बताए मेरे बच्चे को कि वो यहाँ तक आया है। आपका थैंक बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। आपकी गाइडलाइंस के बिना बच्चा यहाँ तक नहीं आ सकता था, थैंक यू ये सो उसने मच। अचीव आप की है। हाँ जी सर, आपके चेहरे की खुशी देख के आप मानोगे नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरी मेहनत, मुझे यही लगता है अगर बच्चे सक्सेसफुल हैं, अच्छा स्कोर करें, अपने हाँ लेवल जी पे सर, मेहनत करें। देखिए आर्यन ने तो घर रह के फाइनल ईयर के साथ इतनी अच्छी रैंक लेके आया है, ये हाँ कितनी जी सर, अचीवमेंट बात है। आपका भी सपोर्ट होगा तो आप कुछ बताना चाहोगे तो आप बताओ मुझे। एक तो आर्यन की पढ़ाई को लेके, हाँ और जी जब कभी सर, स्ट्रेस होता था तो कैसे हैंडल करता था, मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं, कई पेरेंट्स सुनेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। सर इसका तो हमेशा से ये रहा है, इसको अच्छा फूड पसंद है। जब ये ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है ना तो मैं इसको कहती हूँ तुझे जो खाना है ना मुझे बता। इसको नॉनवेज फूड बहुत पसंद है, वो भी मेरे हाथ का, बिरयानी एंड कोरमा। तो वो मैं इसके लिए प्रिपेयर कर देती थी, तो मैं कहती थी तुझे जो खाना है ना खा ले, तेरा स्ट्रेस स्ट्रेस बस्टर वो ही है वो फूड। इसको अच्छा, वो कहते हैं ना गुड फूड गुड मूड, बिल्कुल सही तो बात है वो एक चीज जी। होती थी इसके साथ। तो ये कहता था मम्मा अब मैं जा रहा हूँ, अच्छा सा खा लिया मैंने, अब मैं एग्जाम भी दे रहा हूँ, और मम्मा मुझे हाँ प्लीज डिस्टर्ब मत डिस्टर्ब करना। ना एक ये करना, चीज मैं कहता था पेपर दे कि रहा हूँ। फैमिली मेंबर्स में सबको ये पता था अब आर्यन एग्जाम देने जा रहा है, हाँ दो अब से कोई भी चार। फैमिली मेंबर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस यही था हम लोगों का तो सर। ये बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑनलाइन को भी ऐसे दो कि आपको लगे ही नहीं कि आप घर पे हाँ रह के जी पढ़ रहे हो। तो आप लोगों ने हाँ इसमें बहुत जी सपोर्ट किया, हाँ आपको जी ढेर सर, सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू आपसे सो बहुत मच जल्दी सर। मुलाकात होगी हमारी भोपाल हाँ जी में, सर, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आप लोग आएंगे अवार्ड सेरेमनी में, मैं आपसे यस मुलाकात सर, करूंगा मुझसे। हाँ जी, तो वंस अगेंस्ट आर्यन ऑल द थैंक यू बेस्ट सो एंड मच सर, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सो थैंक मच, यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।